स्वागत है आपका आज के सफर पे। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा जेट 1 घंटे में 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है और टूरिस्ट स्पेस में कब से सफर करने लगेंगे। तो इधर उधर की बात नहीं करेंगे, चलते हैं 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अरे नहीं, वीडियो इतनी स्पीड में नहीं होने वाली, वीडियो तो 1 या 2 मिनट की ही होने वाली है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रेन सेंटा फी के ऊपर, अगर नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके जरूर देखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं उस जेट की जो चाइना की कंपनी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन ने बनाया है। कंपनी ने सुपरसोनिक जेट बनाया है। कंपनी ने ऐसा कहा है कि ये रॉकेट्स के कंपेयर में सस्ता और आम एरोप्लेन्स के कंपेयर में बहुत तेज है। जहाँ नॉर्मल एरोप्लेन्स की एवरेज स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर की होती है, वहीं सुपरसोनिक जेट चाइना से न्यूयॉर्क, जो कि लगभग 11,000 किलोमीटर है, वो सिर्फ 1 घंटे में ट्रेवल कर सकता है। तो जब स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने इस जेट को ट्राई किया, तब इस जेट ने तकरीबन 7,000 किलोमीटर 55 से 60 मिनट में ट्रेवल कर लिया, जो कि बहुत इम्प्रेसिव था। और यहाँ तक वीडियो देखी है तो कर क्या रहे हो, जाके एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। कंपनी का दावा है कि 2024 में इस जेट की फर्स्ट फ्लाइट होगी और 2025 में क्रू यानी टीम की फर्स्ट फ्लाइट होगी। अब बात करते हैं स्पेस टूरिज्म की, जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का कहना है कि वो 2030 तक स्पेस टूरिज्म शुरू कर सकते हैं। नासा का भी कहना है कि 2030 तक स्पेस के गेट नॉर्मल लोगों के लिए ओपन हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी काम कर रही है। अगर स्पेस में जाने का मौका मिलता है तो आप जाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर नहीं आई हो तो 3 बार लाइक करें। समझ रहे हो ना। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।